और ईसा मसीह के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया है और उसमें रायमुनि भगत के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। तो आज हम भैया लोग से बात करेंगे कि आज ये रैली क्यों लगा है, आप इसको बताएं क्या क्या। ये बहुत लंबा रैली लगा है यहाँ से लोरो जसपुर से पूरे जसपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लगा है, तो हमें बताएं क्यों लगा है। और 1 सितंबर को जसपुर विधायक रायमुनि भगत एक आस्था के पास ढींगनी ग्राम है वहाँ पे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भूयर समाज का सामुदायिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में ईसाई समुदाय और ईसा मसीह के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया है और उसमें ईसा मसीह को अपमान किया है और उसके मानने वालों के ऊपर भी उनको भी अपमान किया है, जिससे कि हमारा ईसाई समुदाय बहुत ही आहत हुआ है। उसका उक्त भाषण उस कार्यक्रम भाषण जो है सोशल मीडिया में वायरल होने के पश्चात में हमारे ईसाई समुदाय के लोगों ने यह वीडियो देखा सुना और सुनने के पश्चात सभी आहत हुए। आहत होने के पश्चात जसपुर जिले के लगभग 14 थाने सहित छत्तीसगढ़ के अन्य थानों में भी दिनांक 10 तारीख को FIR दर्ज करने हेतु आवेदन किया, किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा रायमुनि भगत के नाम पर FIR दर्ज नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण से दिनांक 18 तारीख को हमारे समुदाय के लोगों ने हमने SP साहब से मुलाकात कर रायमुनि भगत के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करने हेतु आवेदन किया था और उसी में हमने उन्हें अवगत कराया था कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो धरना आंदोलन करेंगे और हम जो है मांग करेंगे FIR का गिरफ्तार करने हेतु। और उसी क्रम में अभी तक FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए हमारे ईसाई समुदाय के लोग जसपुर जिले के गोदाम बॉर्डर गोदाम से लेकर पत्थर गाँव तक शांतिपूर्ण आंदोलन मानव श्रृंखला बनाकर हमारी मांग है, हम मांग कर रहे हैं कि रायमुनि भगत के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और उसे उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हमारे ईसाई ईसा मसीह को उन्होंने अपमानजनक शब्द कही है और हमारे ईसाई समुदाय के लोगों को आहत किया है और हम जिससे हम बहुत ही आक्रोशित हैं। आज हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सड़क में उतरे हैं और मानव श्रृंखला के माध्यम से 130 किलोमीटर मानव श्रृंखला निकाल कर हम प्रशासन में मांग कर रहे हैं FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सर, ये फिर से जानना चाहता हूँ, सर ये कहाँ तक लगा है? जसपुर जिले का जो बॉर्डर है गोदाम से लेकर पत्थर गांव 130 किलोमीटर तक हमारा यह मानव श्रृंखला शांतिपूर्ण आंदोलन। सर, ये एकदम शांतिपूर्वक हो रहा है, आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल, हम शांतिपूर्ण शांति प्रिय लोग हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से ही हम शासन से मांग कर रहे हैं कार्रवाई किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं होगी, इस शांतिपूर्ण आंदोलन से कार्रवाई नहीं होगी, तो आने वाले समय में हम महा आक्रोश रैली निकालेंगे और हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी आंदोलन करेंगे। सर, ये इसका मुख्य कारण FIR दर्ज नहीं हो रहा है? सर जी, FIR दर्ज नहीं हो रहा है इसी का। धन्यवाद सर।